चौरी चौरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25,000 के इनामी बदमाश भीम पासवान को एक मुठभेड़ में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सोमवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर के निर्देशन में एसपी उत्तरी रोहित सिंह सहवाड़ के नेतृत्व में सीओ क्राइम अशोक वर्मा, सीओ चौरी चौरा प्रभारी निरीक्षक चौरी चौरा, प्रभारी निरीक्षक खोराबार, क्राइम ब्रांच व सर्विलांस की टीम ने कुसमी जंगल के पास पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश भीम पासवान पुत्र सिकंदर पासवान निवासी रौतेनिया थाना चौरी चौरा को गिरफ्तार किया है। भीम पासवान द्वारा पुलिस टीम पर हमला करने पर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश भीम पासवान को पैर और हाथ में गोली लगी है, जिसको गंभीर हालत में जिला अस्पताल में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। इसके पास से पुलिस ने 32 बोर का एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा और बगैर नंबर की एक बाइक भी बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्त भीम पासवान शातिर मिथुन पासवान के D3 गैंग का सक्रिय सदस्य है। भीम के ऊपर 13 आपराधिक मामले वांछित हैं। इसके पूर्व बदमाश भीम पासवान ने चौरी चौरा पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें इसका एक साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। शेष 2 अभियुक्तों पर 50,000 के इनाम घोषित हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शरद माथुर ने बताया। थ्री जो गैंग बनी थी उसमें ये नाम है। कमर में हाथ डालो, कमर कमर में हाथ डालो। आप एक हाथ या नीचे लगाइए, हाथ नीचे बस सर था एलेक्स लगा दो, फोटो खींचो सर, उठा दे सर, उठा जरा एलेक्स थोड़ा सर ऊपर को लगा दीजिए। थाना खोराबार के अंदर एक मुठभेड़ हुई, जहां पे भीम पासवान नाम का अपराधी है, D3 गैंग का मेंबर है। अभी विगत कुछ दिन पहले थाना चौरी चौरा के अंदर एक पुलिसकर्मी के ऊपर फायरिंग हुई थी, जिसमें एक पुलिसकर्मी को चोट, एक अन्य पुलिसकर्मी को चोट भी आई थी। उसी घटना के अंदर ये वांछित था, इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। इसके एक साथी को पूर्व में पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है और इसका एक साथी ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है। इनके शरणदाताओं के ऊपर भी कार्रवाई की गई है। घटना के और मुख्य अभियुक्त हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी इनाम चल रहा है, उनकी भी जो है गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। आज इनके बारे में सूचना मिली थी, जब पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँची है सूचना के आधार पर, तो इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। आत्मसमर्पण में पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, जहाँ पर इनको पाँव में और हाथ में गोली लगी है। इनके पास से एक पिस्टल और एक मोटरसाइकिल रिकवर हुई है और इस संदर्भ में मेडिकल करा के आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी इसके अंदर और जो है घटना के अंदर जो हम लोग को जानकारी आई थी, उसके अंदर 3 लोग तो वहाँ मौके पर थे, उनके अलावा 6 से 7 लोग और मौके पर होने की बात आई थी। 3 जो लोग हैं उनमें से एक मुख्य अभियुक्त को पहले अरेस्ट किया गया था, फिर उसके बाद जो नाम प्रकाश में आया, एक जने को और अरेस्ट किया गया था। इसको भी आज अरेस्ट किया गया है। 2 लोग और हैं जिनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम है। आज इनकी पूछताछ के बाद हो सकता है अन्य नाम भी प्रकाश में आए।